विदिशा जिले के पठारी नगर के चश्मा स्टेडियम में व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को गैरतगंज और बरोदिया के मध्य फाइनल मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में गैरतगंज ने बरोदिया को 53 रन से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। आज गैरतगंज और बरोदिया के बीच फाइनल मैच खेला। गैरतगंज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए, जिसमें फैज खान ने 65 रन जबकि मलिक ने 42 रन बनाए, जबकि बरोदिया की टीम 7 विकेट पर 82 रन बना सकी। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश सिंघई, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष सीताराम सैनी, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य अरुण सहले, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश पंथी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, पत्रकार, समाज सेवी, व्यापारी गण मौजूद थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। महासंघ द्वारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था उसके लिए व्यापार महासंघ को यहाँ के अनुशासित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो, खेल तो सभी प्रकार के होते हैं। आजकल जो क्रिकेट का बुखार चढ़ा है इस भारत पर, वो कोई खेलों को नहीं किया तो मैं पहलवानों सुन लो बच्चे। क्रिकेट हम भी खेलते थे, मैं पहलवानी हमारा मुख शौक। अच्छा, गैरतगंज बहुत लड़े आ रही थी, एटली आ रही थी भैया में, पर्वतिया वाले थके थे, नहीं तो ऊपर से पड़ गया तो सवेरे खेले। पड़ोस की इतनी कमजोर टीम नहीं थी कि तुम भी ये खा रहे थे, कई होते मिस फील्डिंग कर रहे थे, जहाँ एक रन चाहिए वहाँ चार दे रहे थे। वो तो किस्मत सोच लो तुम, अगर दो ओवर होते तो घर पहुँचते गैरतगंज वाले को इस तरीके से। तो कभी भी खेल में इतना रन नहीं चाहिए, हार जीत तो होती, कभी बड़ोदिया भी जीती होगी, कभी आप लोग भी जीती हो, हार जीत का कम कोई मत करो। आप तो ये मान के चलो कि सुबह आप जीते थे सेमीफाइनल, तो फाइनल भी हमारे हिसाब से आप जीते हो, क्योंकि आप थके थे और ये कल के सोचता है भाई थे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।